अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स जिससे आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है, जो एवरीडे मेकअप और फुल ग्लेम मेकअप में आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट इस प्राइमर। प्राइमर जो होता है हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा मेकअप है वो हमारे पोर्स पर ना जाए, कोई भी स्किन प्रॉब्लम ना हो। और सेकेंड इसका पर्पस होता है कि जो हमारे पोर्स की अपेयरेंस है उसे कम करना, हमारे स्किन को मैटिफाइंग करना, ताकि जो हमारा मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। मैं आपको रिकमेंड करूँगी मेबेलिन बेबी स्किन का इंस्टेंट पोर रेजर प्राइमर। ये वन ऑफ द बेस्ट प्राइमर है। ये बहुत ही कम क्वांटिटी में आपके फेस को मैटिफाइंग कर देता है और आपकी फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग रखता है। देन वी नीड फाउंडेशन। ये फाउंडेशन मीडियम टू हाई कवरेज फाउंडेशन है। अगर आप इसे कंसीलर और कॉम्पैक्ट पाउडर से अच्छे से बिल्डअप करते हैं तो ये हाई कवरेज फाउंडेशन है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हुदा ब्यूटी की मैट फाउंडेशन। ये अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, वाटर प्रूफ है, आपके फेस पर जितना पसीना आए ये फाउंडेशन कहीं नहीं जाने वाली। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पर आ जाती है, लेकिन ये टोटली वर्थ इट है। अगर आपको फुल ग्लेम मेकअप के लिए चाहिए तो आप ये बाय कर सकते हैं। एवरीडे पर तो हम फाउंडेशन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारा फेस बहुत ही हैवी हो जाता है, उसके लिए हमें कोई भी बीबी क्रीम चाहिए होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी मेबेलिन की बीबी क्रीम। ये प्लस एसपीएफ भी है। ये जो बीबी क्रीम है ये मेरी फेवरेट है, आपको इसकी हालत से पता चल रहा होगा। ये बीबी क्रीम अच्छे से ब्लेंड हो जाती है और ब्लेंड होने के बाद आपके फेस पर बहुत ही प्यारा सा नेचुरल सा ग्लो लाती है। और कुछ बीबी क्रीम ऐसी होती है जिसको फेस पर लगाने के बाद, स्पेशली ब्लेंड करने के बाद, आपका फेस ग्रे हो जाता है और आपकी बीबी क्रीम हर तरफ से हटने लग जाती है, लेकिन इससे ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप इसे ज़रूर बाय कीजिएगा, आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। अब बात करते हैं कंसीलर की। तो कुछ कंसीलर ऐसे होते हैं जिसको लगाने के बाद आपके फेस पे लाइंस पड़ जाती हैं और आपका मेकअप ख़राब हो जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी मिस रोज़ का कंसीलर। मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है कि मुझे सिर्फ मिस रोज़ का ही कंसीलर पसंद है। ये ईजिली ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही क्रीमी है और प्लस बहुत ही अफोर्डेबल भी है। फाउंडेशन और कंसीलर को सेट करने के लिए हमें कॉम्पैक्ट पाउडर चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पर हुदा ब्यूटी का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करती हूँ। ये मेरे फेस को केक ही नहीं करता। आपके पास कोई सा भी कॉम्पैक्ट पाउडर हो आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लशन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी मेरा फेवरेट मैक्स कल का ब्लश ऑन। इसमें पीच, पिंक और शिमर ब्लश भी ऐड होते हैं। इसमें हर तरह के शेड आते हैं, वो आप अपनी मर्जी से बाय कर सकते हैं। बहुत ही पिगमेंटेड है, लॉन्ग लास्टिंग है और सबसे अच्छी बात कि ये अफोर्डेबल भी हैं। मेकअप करने के बाद हमारा जो फेस है वो बहुत ही वाइट लगता है, तो उसमें ब्रॉन्जअप और कॉन्ट्रोल ऐड करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी फेमस किस्टैंड की कॉन्ट्रोल पैलेट। ये बहुत ही अच्छी कॉन्ट्रोल पैलेट है, अफोर्डेबल भी है, उसमें हर तरह के शेड आते हैं, वो आप अपनी मर्जी से बाय कर सकते हैं। अगर आईलाइनर की बात की जाए तो मिस देमे आईलाइनर बहुत ही हाइप में रहा है क्योंकि ये बिगिनर्स प्रोफेशनल दोनों के लिए बेस्ट आईलाइनर है। इससे आप सिंपल ग्राफिक और विंग आईलाइनर बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है और अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इसे जरूर बाय कीजिए। मस्कारा जो होता है मेकअप का गेम चेंजर होता है, तो आप कोई ऐसा मस्कारा यूज करें जो आपकी आईलैशेस को वॉल्यूम और लेंथ दे और वाटर प्रूफ भी हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी बॉब का मस्कारा। मेरा ऑल टाइम फेवरेट मस्कारा है। मैं इसे एवरी डे पर या फुल ग्लेम मेकअप यूज़ करती हूँ। ये आपकी आईलैशेस को वॉल्यूम और लेंथ देता है, अफोर्डेबल भी है और वाटरप्रूफ भी है। हाइलाइटर जो है मेकअप में हर किसी का फेवरेट पार्ट होता है, लेकिन कुछ हाइलाइटर ऐसे होते हैं जिसको लगाने के बाद आपका फेस केक ही लगता है और कहा जाए तो डिस्को बॉल भी लगता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी जे डॉट का हाइलाइटर। ये जो हाइलाइटर है ये मेरा फेवरेट हाइलाइटर है क्योंकि ये आपके फेस को चंकी नहीं करता, लेकिन बहुत ही प्यारा सा ग्लो लाता है, बहुत ही सटल सा आपके फेस को हाइलाइट करता है, बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में आता है। अगर बात की जाए लिपस्टिक की तो मिस रोज़ की लिपस्टिक का कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि ये अफोर्डेबल भी होती हैं, क्रीमी भी होती हैं। मैं आप लोगों के साथ दो शेड शेयर कर रही हूँ। एक जो शेड है 110, ये शेड आप फुल ग्लेम मेकअप पे यूज़ कर सकते हैं, डार्क मरून शेड। आप वेडिंग पे जा रहे हैं या कोई भी आप स्पेशल डे पर जा रहे हैं, अगर आपको डार्क शेड पसंद है आप ये यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही प्रीटी शेड है इसका। सेकेंड लिपस्टिक भी मिस रोज़ की लिपस्टिक है। अगर आपको एवरी डे यूज़ पर कोई न्यूड लिपस्टिक चाहिए या आपको न्यूड शेड बहुत पसंद है, न्यूड शेड अप्लाई करना अच्छा लगता है, तो आप एक बार ये शेड ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका जो शेड है वो है 102, बहुत ही क्रीमी शेड है, बहुत ही प्यारा शेड है। और अगर आपकी डस्की स्किन है तो आप एक बार ये शेड ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई शेडो के बगैर हमारा मेकअप कैसे कंप्लीट हो सकता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी गॉर्जियस मी की आई शेडो पैलेट। ये आई शेडो पैलेट मैं आपको 100 टाइम रिकमेंड कर सकती हूँ क्योंकि अगर आप इसे एक बार ख़रीद लें तो आपको काफ़ी टाइम तक दूसरी आई शेडो की पैलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें हर तरह के शेड होते हैं, हर तरह के कलर अवेलेबल होते हैं, हर तरह के शिमर, हर तरह के ग्लिटर होते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर बाय कीजिएगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये बात याद रखिएगा, कभी भी आपने मेकअप फिक्सर को स्किप नहीं करना क्योंकि ये हमारे फेस पर जितना मेकअप होता है उसे सेट करता है और लॉन्ग लास्टिंग रखता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। तो अगली वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय। टेक केयर।